नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक रेसिपी के साथ फिर आई हूँ आपके सामने। आज की मेरी रेसिपी है नमकीन सेवियां। आप सब जानते होंगे कि सेवियां भी बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। वो एक्चुअली वो सूजी की बनी होती हैं और सूजी तो बच्चों के लिए वैसे भी अच्छी होती हैं। तो नमकीन सेवियां मैं वेजिस के साथ मैं लेके आई हूँ और वेजिस का तड़का जब लगा हो सेवियों में तो एकदम अलग सा हो जाता है। कई लोग मीठी भी खाते हैं, मीठी भी अच्छी होती हैं, पर नमकीन भी बहुत टेस्टी होती है। एक बार आप बना के देखिएगा, मैं बताऊंगी कि कैसे बनानी है, तो बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और जब इसमें वेजिस डालेंगे तो और ज़्यादा बच्चों को अच्छी लगेगी और बच्चे सोचेंगे इनकी सेवियां। मेरी बेटी तो हमेशा कहती है कि मम्मा मैगी, वो लगती नूडल्स और मैगी की जैसी है। तो फिर चलिए हम चलते हैं कि नमकीन सेवियां बनानी कैसी है। देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वेजिस कट कर ली है, जैसे मैंने कैप्सिकम कट कर लिया है, कैरेट कट कर लिया है, ऑनियन, थोड़े से चीज़ कट कर लिए हैं और लेमन लास्ट में काम आएगा, और कुछ फ्रेश मैंने कड़ी पत्ता लिया हुआ है। आपके पास कोई जरूरी नहीं कि यही वेजिस लेनी है, आपके पास कोई और भी वेजिस होंगी वो भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही ले ली। तो मैंने कुछ ये ली हुई है, राई बोलते हैं जिसको हम, ये ली हुई है और थोड़ी सी हींग ये यूज़ होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा तेल ऑयल गर्म हो गया है, मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें राई डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी डालते हैं, वेजिस धीरे धीरे डालने, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, जल्दी से मैं वेजिस ऐड कर लूँगी, क्योंकि फिर अगर वेजिस हम सॉर्ट करनी है ना तो फिर ऑनियन और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, इसलिए मैं साथ ही डालती हूँ। अब ये कैप्सिकम डाल दें, ये मैंने कैप्सिकम ऐड कर ली है सारी। हम लोग चीज़ लास्ट में ऐड करेंगे, चीज़ अभी कर दी है तो मैं थोड़ा लास्ट में ऐड कर, आपकी चॉइस है, आपका जल्दी मज़ा। अब सॉर्ट होने दीजिए हम सबको, और जब सॉर्ट हो जाएगी तब हम वो डालेंगे, नमकीन सेवियां डालेंगे। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जिससे जल्दी थोड़ी वेजिस जल्दी सॉर्ट हो जाए। ये सॉल्ट ऐड कर लिया, मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा। थोड़ा सा ये भी मसाला भी डाल रही हूँ बस, और थोड़ी सी मैं ये भी चलिए मोस्टली हमारी वेजिस सॉर्ट हो ही गई हैं। हमने इसमें पानी भी तो डालना, फिर गल जाएंगी सारी। अब मैं ये डालूंगी, ये मैंने रोस्टेड वर्मिसेली यूज कर रही हूँ, तो आप दूसरी भी कर सकते हो, पर मैं मेरी जितनी तक चॉइस रहती है मैं रोस्टेड ही करती हूँ, क्योंकि रोस्टेड जल्दी से बन जाती है। तो चलिए हम रोस्टेड डालते हैं वर्मिसेली। थोड़ी सी और डाल लेते हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं, चलिए अब हम इसको ना कवर कर देंगे लिड के साथ। जी लीजिए, लिड के साथ हमने कवर कर लिया। अब हम इसको 5-10 मिनट बाद देखेंगे कि बनती है कि नहीं बनती है। चलो देखते हैं, हो बनी नहीं, देखो हमारी तो बन गई है नमकीन सेवियां। तो अब हम इसको थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे, लेमन से थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। लेमन ऐड करेंगे, बहुत टेस्टी होती हैं फ्रेंड्स, पक्का जरूर ट्राई कीजिए।
आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। मेरी बच्ची तो खाती है, वो तो बोलती है कि नूडल्स, वो तो नूडल्स बोलती है और नूडल्स के जरिए वो खा लेती है और हमें क्या चाहिए। चलो अब हम ये जो मैंने चीज़ की स्लाइसेस कट किए थे ये ऐड कर लेंगे। ये होममेड चीज़ है, मैंने अपनी बेटी, मैं हमेशा अपनी बेटी को होममेड चीज़ ही देती हूँ, तो चीज़ इसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि होममेड चीज़ मैंने कैसे बनाया था। तो चलो एंजॉय, मैं अपनी बेटी की प्लेट लगा लेती हूँ। चलो फ्रेंड्स, मेरी बेटी की प्लेट तो रेडी है, वो बहुत एक्साइटेड है खाने में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।